नहीं वजह है कि जमात में काम नहीं करते। आप मेहमान है, आप मेहमान नहीं है। आप कहीं भी जाए आप जा रही है, आप मेहमान है, हम लोग मेहमान है। आपको चाहिए आप खाना बना इरादे खर्च कर लीजिए। ये नहीं कुछ चिल्ला के दिन पूरा हो जाएगा। जमात का खर्च करना दूसरों का खर्च करने को कहते हैं, सब्जियों का खर्च करना दूसरों का खर्च करने को कहते हैं। हमारी जमातें फिरती हैं अपनी जात पर खर्च करने को, कपड़े में खर्च किया, मेरा टिकट, मेरा खाना, मेरी जरूरियात, मेरी चाय, मेरा नाश्ता, ये तो तकलीफ का खर्च है। शरीर की जात का खर्च है। अगर तिजारत के लिए जाता तब भी तो खर्च करता, तो फिर हर का काम करके या टिकट, ट्रेन का टिकट खरीद के अपनी जात का खर्च करता। हमारी जमातों का अजीब हाल है, अल्लाह के रास्ते में निकल कर अपनी जात का खर्च करते हैं और कहते हैं मैंने तबलीग में खर्च किया। तबलीग में खर्च नहीं है, तबलीग में वो खर्च है जो दूसरे में खर्च किया है। इसमें मैंने आज किया है कि जमाते अपना खाना खुद बनाए और मकानी लोगों का इकराम करें, यही सुनत है। आप रास्ते में खाना तैयार करके पूरे तबीले को खाने पर चावल दी, एक 14 शताक आटा, सुनो मैं क्या कह रहा, बरकत कितनी हुई, 14 शताक आटे की रोटी बनी, 14 शताक थोड़ा सा आटा और एक अगला पेड़ बकरी का छोटा सा सिर दिए, जबकि जिनको आपने दावत देकर बुलाया था अभी इस्लाम समझाने के लिए, इस्लाम की दावत देने के लिए, उनमें से हर आदमी एक बकरा एक आदमी खाता, एक बकरा एक आदमी की खुराक थी रिवायत में है। और आपने पूरे सवीरे को दावत दी अपने, और खाना कितने था, एक अगला पैर बकरे का और 14 शताक आटा इसकी रोटी, ये सब खा के फारिग हो गए, पेट भर गए, खाना बन गया। हमारा काम यह है कि अभी दोस्त खान लंबा करो, जहाँ जाए हमारे को खिलाए, मछली वाले के लिए आज भी काम करो। जब यहाँ से जाकर बल बन जाएगी मकानी लोगों पर, वो दो दिन में कह देंगे जमात आगे चली जाए, अमीर साहब हमारे हमारे मकानी साहब का फैसला है कि जमात आगे बढ़ जाए। इस तरह कहीं भी काम नहीं जम सकेगा। हमारी जमात से हर मस्जिद में जमकर काम करें, मकानी लोगों को साथ लेकर उन्हें मस्जिद की आबादी का अमल इस तरह करके दिखाएं कि आपकी जमात जो हिस्से में तकसीम हो जाए, एक जमात का हिस्सा आपकी मकानी लोगों के साथ और मकानी लोगों का हिस्सा आपकी जमात के हिस्से के साथ, ताकि मस्जिद के अंदर जो अमल हो रहा है वो भी दिखलाएं और बाहर के लिए दिखलाएं। ठीक है, बैठेंगे। ये एक बड़ा मजमा है जो वापस जा रहा है अपने घरों को, करें इस्तिगफार करें इस पर कि हम अल्लाह के रास्ते में क्यों नहीं निकले। सहाबा रोते थे, सहाबा रोते थे, अल्लाह ने रोने का जिक्र कुरान ने किया है कि नहीं निकल सके मजबूरी की वजह से। हम जितने वापस जा रहे हैं अपने घरों में, हम नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ इस्तिगफार करते हुए अपने आप को अल्लाह के यहाँ मुजरिम करार देकर, ए अल्लाह हम मुजरिम हैं, हमने दीन को मिटाया है, हम दीन की दावत को छोड़कर हमने जिनको नुकसान पहुँचाया है, तुम इस काम के लिए कबूल फरमा ले। इस तरह अल्लाह से इस्तिगफार करते हुए निकलने का गुनाह माफ, क्योंकि निकलने में दाखिल करना गुनाह है, ये तो पक्की बात, ये तो कुरान से भरे हुए हैं। ना निकलना गुनाह है, ये तो पक्की।